की एडॉप्टेशन थी ये शेक्सपियर के मैकबेथ की, लेकिन इसमें कश्मीरी बूबाज दिखी। अपनी मदर टंग में इस प्ले को देखना, इट वाज सो ओवरवेलमिंग। बहुत अच्छे कास्ट्यूम जो बहुत कुछ करने कर रहे थे, ऐसी लाइटिंग का कंसेप्ट, सेट डिजाइनिंग, सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। रेस्पॉन्स आपने देखा, हॉल फुल था। इससे बेहतर रेस्पॉन्स मैं नहीं समझता कि कश्मीर में हो सकता। बड़ी बात जो मुझे लगी कि एडॉप्टेशन थी ये शेक्सपियर के मैकबेथ की, लेकिन इसमें कश्मीरी बूबाज दिखी। बूबास ही नहीं, मतलब एक रिदम जो था अचना चारशद मुश्ताक को, ये क्रेडिट जाता कि उन्होंने वर्चुअलाइज्ड स्क्रिप्ट लिखी इसकी, जो सारी पोइटिक है, पोइट्री में है। तो वो जो रिदम होता है, मतलब मुझे एकदम से फोक थिएटर जो कश्मीरी है उसका इन्फ्लुएंस कितना है राइटिंग पे और डिज़ाइन पे, दैट्स रियली मार्वलस। ट्रांसलेशन में, एडॉप्टेशन में, ना ट्रांसलेशन, वी कांट से ट्रांसलेशन, एडॉप्टेशन में। सेकेंडली, जितने भी बांड जेर जो हमारा फोक है उसमें जो रिदम होता है, जो एक एक्शन या एक रिदम चलता रहता है इसके साथ में, वो बरकरार था इसमें। और कश्मीरी बूबास दिखी हमें, सबसे बड़ी बात वही है, एंड दैट वाज द वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज इन द प्रोडक्शन। इस साल से करते आ रहे हैं, मुझे लगता है सातवीं अडेप्टेशन है दुनिया के अदब से, चाहे गोडो हो, चाहे हेमलेट हो, चाहे पिरेंडेलो हो, चाहे राइडर्स टू द सी हो, सिंग शफले। तो अपने ओरिजिनल प्लेस करने के साथ साथ ये हमारा ग्रुप का हमेशा अहमल रहा है कि एक साल हम एक इंटरनेशनल नाटक या प्ले को अडेप्ट करें और एक साल फिर हम अपना प्ले करें। तो ये चलता आ रहा है। हम ये प्ले के साथ 18वीं प्रोडक्शन हमारी मंजर आम आई है। ये प्रीमियर था, अभी ये शो और चलेगा इंशाल्लाह। हमने इस प्ले में कोशिश की कि एक डिस्टोपियन दुनिया जो हमारे जहनों के अंदर बसी हुई है, और वो दुनिया जो हमें हर एक शोबे पर सोचने पर मजबूर करती है, और वो फोर्सेस जो हमें अपनी तरफ खींचते हैं और शायद हमें अपने आप से दूर कर देते हैं। सो मकसद हमारे थिएटर का, थिएटर फॉर कश्मीर का, थिएटर बराई कश्मीर का यही है कि हम थिएटर सिर्फ एंटरटेनमेंट, मजाक या और चीज़ों के लिए न करें। हमारे लिए एक छोटा सा मिशन है, इसके थ्रू हम कोशिश करते हैं कि हमारी बात, हमारे लोगों की बात, हमारी अपनी बात हमारे अपने समझे। सर, जाहिर है इसमें आपको बहुत मेहनत करनी होगी, आज स्टेज हो चुका है, किस तरह का रिस्पांस आपको मिला और क्या आप जिस चीज़ को लेकर चले उसमें खुद को कामयाब पाते हैं? रिस्पांस आपने देखा, हॉल फुल था। इससे बेहतर रिस्पांस मैं नहीं समझता कि कश्मीर में हो सकता है। और सबसे बड़ी बात थी कि 60% से ज़्यादा लोग यंगस्टर्स थे जो खुद आए थे और जो ये प्ले देख के बहुत ही इंस्पायर्ड शायद फील हुए हैं, क्योंकि कम से कम 100-150 लोगों ने गले मिले। सो और मैं क्या कह सकता हूँ, कोशिश ये है कि और यंगस्टर्स जुड़े। वी नीड टू टेक कश्मीरी एस्थेटिक्स, कश्मीरी आर्ट, कश्मीरी थिएटर एंड लिटरेचर टू द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, एंड दैट्स द एंडेवर, एंड दैट्स व्हाट शुड बी डूइंग। आई वाज ओवरवेल्म्ड क्योंकि कश्मीर में, कश्मीरी में स्पेशली, अपनी मदर टंग में इस प्ले को देखना, इट वाज सो ओवरवेल्मिंग। हमें ऐसा फील हुआ कि हमारी मदर टंग को भी एक प्रेफरेंस दी जा रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वी वुड विश कि ये वाला प्ले आगे जाए और हम इसको इंडिया के बाकी स्टेट्स में भी देखें। बहुत अच्छा, ये वर्सेस में था, काफ़ी सोचना पड़ा देखते देखते कि क्या है ये, लेकिन फाइनली बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस है। ऐसे प्लेज को देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो डिजिटल तो सर, इस तरह के क्लासिकल प्लेस को, मशहूर प्लेस का कश्मीरी वर्जन इस तरह स्टेज करना, ये एक नया रुख ले सकता है जम्मू कश्मीर के थिएटर इंडस्ट्री में? बिल्कुल बिल्कुल नया रुख ले सकता है, क्योंकि फाइनली ये इंटरनेशनल थीम्स है, ये इंटरनेशनल प्ले राइट्स है, इनके प्लेज़ को अगर कश्मीरी में अडॉप्ट करके यहाँ खेला जाए
तो बहुत अच्छा है और लोग इसके लिए वाकई में पसंद करेंगे। देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था बिकॉज इसमें कश्मीरी ट्रेडिशनल फोक टेल एंड फोकलोर भी डाला गया है एंड इसमें आपको एक कश्मीरी एलिमेंट, एक कश्मीरी साइड दिखेगा पूरी स्टोरी का, जो इसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा यूनिक बना रहा है। कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, आर्ट, लाइटिंग्स एंड डायलॉग्स सभी बहुत अच्छा था एंड आई वुड से कि ऐसे प्लेज और होने चाहिए ताकि एक कंसेप्ट बेस्ड स्टोरीज आपको मिल पाए जो आपको एक रियलिटी से एस्केप देंगे। हाँ, इस बार ट्रेडिशनल फॉर्मेट से निकल के थोड़ा इंटरनेशनल क्लासिक की तरफ आए हैं। इससे पहले मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ कई प्लेज किए हैं और एक उनमें मैकबेथ भी था जिसकी ट्रेनिंग मुझे मिली है टाई सेंटर श्रीनगर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। और उसके बाद अगर मुझे लगता है कि उस लेवल का कश्मीर में कोई काम करता है तो वो अरशद मुश्ताक हैं और इनके साथ हम मिले और मैकबेथ किया और ये मेरे प्रोफाइल में एक और सितारा जुड़ गया है कि इंटरनेशनल क्लासिक में से मैकबेथ। इससे पहले हमने हैमलेट किया था, इस बार मैकबेथ किया और ये एक और स्टार जुड़ गया है मेरे करियर में कि मैकबेथ, एज ए मैकबेथ मैंने प्ले किया है। सर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे भी ऐसा मज़ा आया ऐसे देख अच्छा के। क्या लगा इसमें आपको? इसमें वो डरावनी भूत की स्टोरी बहुत अच्छी थी और मज़ा आया और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह देखेंगे फिर हम भी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।